थाना जैत के नजदीक हाईवे पर दिल्ली से धौलपुर जाते समय एक कार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। कार सवारों ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। समय रहते जैत पुलिस ने कार में लगी आग पर काबू पा लिया। कार सवार आदित्य निवासी संगम बिहार ने बताया कि वह अपने भाई और बहन के साथ दिल्ली से धौलपुर जा रहा था। थाना जैत क्षेत्र में हाईवे पर पहले गाड़ी का ब्रेक फेल हुए, उसने गाड़ी साइड में रोककर बोनट चेक किया तो शॉर्ट सर्किट से पूरी गाड़ी में आग लग गई। कार में बैठे भाई बहन को जल्दी बाहर निकलने को कहा। कार में धुआं उड़ता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने जैत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया, कार का इंजन वाला कुछ हिस्सा जला, उससे पहले ही आग को बुझा दिया गया। आदित्य जी ये बताइए, आज जो घटना हुई है क्या घटना हुई है, कहाँ से आ रहे थे आप? दिल्ली से आ रहे थे, धौलपुर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी के एकदम से ब्रेक फेल हुए जी। फिर गाड़ी हमने जैसे तैसे करके इत्याद की तरफ को लगाई, हैंड ब्रेक के थ्रू रोकी जी। इतने में गाड़ी के बोनट की तरफ से धुआं निकलना शुरू हो गया। फिर गाड़ी का हमने जैसे बोनट खोला, इतने में गाड़ी नाक पकड़ी। मौके पर पुलिस वगैरह।